जब मैंने जब खेला नहीं था, मैं सर स्टार्ट ही थी मेरी क्रिकेट, तो बोला था भाई के साथ जॉब कर ले। वही मुझे जॉब मिली थी, पोंछे वाली जॉब, पोंछे लगाना है उन कोचिंग में, मगर मैंने मना कर दिया सर। वो मेरे अच्छा ही लगा था काम, तो मैंने बोल दिया क्रिकेट ही खेलूँगा। तो वहाँ से फिर मैं क्रिकेट ही खेला सर। ये पढ़ाई भी नहीं है मेरे साथ, और क्रिकेट ही है जो आगे ले जाएगा मुझे, कि जैसे आप कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन नहीं था, ये बस बात सही है। तो मैंने पूरा फोकस क्रिकेट पे लगाया और बहुत मेहनत की है सर, मैं शुरू में बहुत ज़्यादा, तो जितनी मेहनत थी आज रंग लाई है जो भी है। जैसे कि मैं शुरू से क्रिकेट खेलता था, जैसे टेरिस बॉल से, लेदर बॉल से, जैसे कि हम 5 भाई हैं, जैसे मेरा मोहल्ला टाइप है ना, तो उसमें हम 7-8 लड़के थे, तो वो हम सब पैसा मिला के बॉल लाया करते थे, तो खेलते थे। वहाँ से क्रिकेट वहीं से स्टार्ट हुई थी खेलना, लेदर बॉल से, तो आइडिया हुआ था लेदर बॉल से कैसे खेला खेला जाता है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, मॉडर्न स्कूल था, तो उसमें मैं पढ़ता था, तो हम हमारी उसमें भी एक टीम थी, हम सब दोस्त खेला करते थे, टेनिस बॉल से खेलने जाते थे। तो एक क्लब है जादौन राइडर्स, तो उनकी टीम एंटर हुई थी, इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ था, तो हम उन्होंने 2 लड़के लिए थे हमारे स्कूल से, मैं और एक मेरा दोस्त था मिंटू। मैं पहला मैच खेला लेदर बॉल से, पहला पहला मैच था मेरा, मैंने उसमें 54 रन किए थे नॉट आउट 32 बॉलों में। तो वहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की। हाँ, शुरू में पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक स्टेडियम था, सरकारी स्टेडियम था, तो उसी में प्रैक्टिस करा करता था, तो इतना पैसा जाता नहीं था, बस एक कार्ड बनवाना पड़ता था तो वो बन जाता था, इतने पैसे ही लगते थे। तो बीच में ये भी आया था कि जब मैच हुआ करते थे तो पैसे चाहिए होते थे बॉल मिलाने के लिए, तब उतने मम्मी पापा देते नहीं थे पैसे, तो वो कहते थे पढ़ाई करो, तो मैं खेल नहीं पाता था। तो जब मैं स्कूल जाता था तो मैं एक पीरियड गोल करके देखने आता था मैच, सीनियरों का मैच होता था तब देखने आता था। मैं सोचता था मैं भी खेलता यार, मैं ये वो, बहुत सारी थॉट आते थे दिमाग में। पापा तो बिल्कुल फेवर में नहीं थे क्रिकेट के, मम्मी थोड़ा बहुत थी, तो पापा तो बिल्कुल ही मना करते थे खेलने के लिए, मारते भी थे बहुत 5 भाइयों को। तो एक टूर्नामेंट हुआ था, कॉलेज का टूर्नामेंट हुआ था, हम कानपुर गए थे हमारी टीम, तो वहाँ के लिए पैसे चाहिए थे, मेरी मम्मी ने पास की दुकान से लेके मुझे पैसे दिए थे 1,000 रुपये, तब तो पैसे की जुगाड़ हो पाई थी, तब मैं गया था वहाँ। मेरे पापा एक हॉकर हैं, तो उनका भी काम करना पड़ता था हमें, अगर हम नहीं होते थे तो गुस्सा हो जाते थे, वो बाहर बैठे रहते थे डंडा लेके, कब आएंगे कब आएंगे। 5 भाइयों ने किया काफ़ी, एक बाइक होती थी उस पर हम दो दो सिलेंडर, जो सबसे बड़े सिलेंडर होते हैं वो हम जाते थे होटलों में देने, किसी के घर में, तो काफ़ी जो मेन काम है मेरे पापा के पास ही है, तो हम काफ़ी हेल्प किया पापा की हमने, भाइयों ने सपोर्ट किया, ऐसे किसी ने मना नहीं किया, हम सारे क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, तो 5 भाई खेलते थे, जहाँ जाते थे 5 जाते थे साथ। तो फिर जब भी कोई मैच होता था तो मैं उसमें अच्छा करता था, फिर जो भी सर होते थे कोच, जो भी जिसकी टीम होती थी वो कहते थे इसे खिलाओ ये अच्छा खेलता है, तो फिर पैसे देने नहीं पड़ते थे। हाँ, मेरे कोच हैं मसूद अमीनी, तो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। जब मैं अच्छा करने लग गया तो एक भैया है मोहम्मद ईशान, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी, पैसे से ले गए मेरा सामान, कपड़े जूते सब उन्होंने किया। फिर जब खेला नहीं था, मैं सर स्टार्ट ही थी मेरी क्रिकेट, तो बोला था भाई के साथ जॉब कर ले। वही मुझे जॉब मिली थी पोंछे वाली जॉब, पोंछे लगाना है उन कोचिंग में, मगर मैंने मना कर दिया सर। वो मेरे अच्छा ही लगा था काम, तो मैंने बोल दिया क्रिकेट ही खेलूँगा। तो वहाँ से फिर मैं क्रिकेट ही खेला सर। वहाँ पर पहुँचे कि जब वो बोल रहे थे कि सुबह किसी को पता नहीं चलेगी, सुबह लगा के चले जाना, तो मुझे पसंद नहीं आई थी, मैं वहाँ से छोड़ के चले गया सर। फिर क्रिकेट में फोकस किया मैंने, ये पढ़ाई भी नहीं है मेरे साथ, और क्रिकेट ही है जो आगे ले जाएगा मुझे, कि जैसे आप कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन नहीं था, ये बस बात सही है। तो मैंने पूरा फोकस क्रिकेट पे लगाया और बहुत मेहनत की है सर, मैं शुरू में बहुत ज़्यादा, तो जितनी मेहनत थी आज रंग लाई है जो भी है। ट्रायल मैंने ऐसे 2010 या 11 में दिया था, तो अंडर 16 का, तो तब हुआ ही नहीं था, तब इतना आइडिया भी नहीं था,
कि स्टेट लेवल क्या होती है। तो जाता था मैं ऐसे खेल के फर्स्ट राउंड में कट जाता था। तो जब मैं तीसरी बार दिया था तो भैया एक मोहम्मद जीशान वही, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। तो फिर मैं जैसे खेला अंडर 16 खेला, 2012 में खेला, तो वहाँ से अच्छी क्रिकेट चालू हुई। वहाँ से पता चला स्टेट क्रिकेट क्या होती है, वहाँ से अच्छा होता चले गया। फिर जैसे मैं खेला अंडर 16 तो लगा कि मैंने पहले मैच में 154 किए थे, वहाँ से लगा हाँ मैं खेल सकता हूँ। और जब मैं फर्स्ट टाइम अंडर 19 खेला तो मैं बहुत अच्छे रन किए थे। पहले साल ही मैं रणजी ट्रॉफी खेली वनडे, वहाँ से लगा मैं हाँ खेल सकता हूँ। रणजी ट्रॉफी मैंने अच्छा डेब्यू था मेरा, 2 विकेट और 83 रन थे उस मैच में, विदर्भ से मैच था। तो वहाँ से मुझे लगा हाँ मैं और अच्छा कुछ कर सकता हूँ, इंडिया के लिए खेल सकता हूँ। वहाँ से बहुत लोगों ने सपोर्ट किया सर, 3-4 लोग हैं, एक अर्जुन सिंह फकीना है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, जिससे अभी मैं खेलता हूँ उनकी टीम में। एक स्वप्निल जैन है, उनकी टीम से भी खेलता हूँ, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। और मसूद अमीनी जो मेरे कोच हैं, और एक अनिल सिंह है, उन्होंने भी 5-6 लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। मगर सबसे मेन मोहम्मद जीशान है जो काफ़ी हेल्प किए उन्होंने। मैं एक स्कूल का टूर्नामेंट हुआ था अलीगढ़ में, वर्ल्ड कप, वही DPS में, ये मैंने नाम बताया था, स्वप्निल जैन उन्होंने कराया था। तो काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था, बाहर की टीमें आई हुई थी वहाँ। मैं वो मेरे पापा मैच भी देखने आए थे, फाइनल मैच हार गए थे हम। तो मेरा तो टूर्नामेंट था, मुझे बाइक मिली थी उस दिन के बाद से मैंने आज तक मार नहीं खाई। उन्हें फील हुआ होगा कि कुछ कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर मैं पहला लड़का था अलीगढ़ का जो IPL पैक सिलेक्शन हुआ था मेरा। काफ़ी खुश थे घर वाले, बहुत खुश थे सर, क्या ही बताऊँ बहुत ज़्यादा खुश थे। नहीं वो तो सर सबसे बड़ी फीलिंग थी सर, क्योंकि KKR में, मगर अमाउंट भी बहुत बड़ा था सर, क्योंकि इतना पैसा कभी देखा नहीं किसी इतनी फैमिली में। तो काफ़ी खुश थे घर वाले, जो भी दिक्कतें थी सब दूर हो गई उससे, घर की दिक्कतें दूर हो गई, जो भी थी छोटी छोटी चीज़ें सब दिक्कतें दूर हो गई। काफ़ी अच्छा हुआ था सिलेक्शन सर, ज़मीन लेकर घर बनवाया, जो छोटे मोटे कर्जे थे वो क्लियर किए, और जो भी सर अच्छा चल रहा है ओवरऑल की तौर से रसल के साथ वो TV पे देखता था, बहुत ही लंबे लंबे छक्के मारते थे, मैं थोड़ा लाइव देखना चाहता था कैसे मारते, तो देखा तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और उनके साथ बैटिंग भी करी थी मैंने प्रैक्टिस मैचों में, काफ़ी अच्छा फील हुआ सर। रसल से बातचीत कैसे करी आपने, मतलब वो तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, लेकिन नहीं यही शुरू में तो बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि समझ में नहीं आती थी उनकी, जैसे मैं ले गया नीतीश भाई या शुमन को भी ले गया था या अभिषेक सर को, तो बात करता था थोड़ी बहुत। जब उनके साथ में उस माहौल में रहने लग गया तो थोड़ी बहुत निकलने लगते खुद, थोड़ी टूटी फूटी तो बोल ही लेता था सर। तो काफ़ी मज़ा आया था, जैसे टीम रूम में जाते थे डांस वांस करते थे, काफ़ी अच्छा अच्छा मज़ा आया था।